कोई नहीं सर, आगे आइए। दर्शन के द्वारा जिस ज्ञान को हम संग्रहित कर लेते हैं,
हमारे हृदय पटल पर वो अंकित हो जाता है, उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। आज तो भगवान ने हमको बहुत सुंदर मौका दिया है पढ़ने के लिए। सबके हाथ में श्री सुंदरकांड के पावन ग्रंथ हैं। सुंदरे के में सुंदरम वाल्मीकि रामायण में तो आता है, सुनने के लिए भगवान ने दो कान दिए हैं और दर्शन का भाव ये करना। आज हम माँ जानकी की खोज में निकले हुए सारी की सारी सेना है और हमारी सेना के अध्यक्ष भाई अजय यागनिक जी हैं, उनके पीछे पीछे हम सबको चलना है। बोलिए वाला जी महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान की।
हर
कमाई लगानी होती है। जिस परिवार के लिए वो जीवन जीता है वही परिवार के अपने लोग उसी अपने घर में बिना वायु के शरीर को दो तीन घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते। ज्यादा देर हो जाए तो बोलते मॉर्चरी नहीं रहना तो बाद में ले आए। इसलिए रोज ये याद रखिए कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो केवल वायु से है। और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करो प्रभु आपको पवन पुत्र है, वायु का बेटा वायु ही होता है और ये शरीर ही चलता है तो केवल वायु तत्व से ही चलता है। आप मेरे हृदय में सांसों श्वास निवास करो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जो सुमिर
संकट को पकड़ लेते हैं अब संकट से भगवान छुड़ावे संकट से भगवान छुड़ावे किसमें मन तन कचन ध्यान
जीवन को जो गृहस्थ जीवन हम सब जी रहे हैं क्या सीखना चाहिए। कहीं पर भी सत्संग में जाए तो ये चार पांच बातें जरूर सीखें, अथवा तो सत्संग में केवल यही सिखाया जाना चाहिए। और मेरी साथ में प्रार्थना कि घर में आप संध्या काल को अपने घर में रखो, अपने जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यही सिखाइए, रोज सत्संग करिए और ये सिखाइए। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीखे, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीखे, सत्संग में ये सिखाया जा रहा है। आजकल स्थिति बदली हुई लेकिन इतनी विपरीत स्थिति हो चुकी है, आज हर घर सुख से भरे हुए हैं लेकिन रोते रहे। तो पहले तो सुख में अच्छा जीना सीखे, और सत्संग तो हमें ये सिखाता है कि विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीखे, तेरा हो भलाई दुख में तेरा हो, धर्म तेरा हो भलाई दुख में तेरा हो।
अपने रुपये रोने वाले मुस्कुरा नसीब ने अपने रुपये रोने वाले सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले तुम्हारी जय गुरु आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए आज जब कथा का भक्तमाल कथा का आज जब छठा दिन है उस समय भक्तमाल के जो आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं भक्तों के भी आचार्य भक्तों की यदि कोई शिरोमणि कहलाया तो वो श्री हनुमान जी महाराज है। आज उनके चरित्र का गान करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब बाकी भक्तों की तो कथा हम सुन रहे हैं लेकिन आज हम सब मिलकर के भक्त के जो शिरोमणि है पूरी माला के जो मेरु हैं उस मेरु की कथा आज हम सब गाने जा रहे हैं। ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है और वही जीवन अशोक हो सकता है और हनुमान जी की भी यात्रा अशोक वाटिका की ही यात्रा है जहाँ पर जाकर के जिसका आज हम पारायण करने जा रहे हैं वहाँ अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी भक्ति माता का दर्शन करने जा रहे हैं। हम सब कुछ अशोक है जहाँ शोक मुक्त है लेकिन उस अशोक तक पहुंचना बहुत परीक्षाएं लेनी पड़ती है और हनुमान जी ने वो सारी परीक्षाएं दी सफल हुए
और आज भक्त शिरोमणि कहलाए। भक्तमाल, मुझे ऐसा लगता है जिनकी कथा का आज हम सब गायन कर रहे हैं, संत महापुरुष जगत गुरु महाराज श्री अनेक अनेक संत भक्तमाल की कथा का पारायण करते हैं और हम सब जीवों को उनकी कथा सुना करके, उनके जीवन चरित्र को सुना करके धन्य करते हैं। ये भक्त कौन है? ये वो लिस्ट है, हम सब राष्ट्रपति को जानते हैं ये है, लेकिन राष्ट्रपति हमें जाने, हमारे नाम से जाने, यही भक्तमाल है। भगवान को तो हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान इनको जानते हैं। जितने भक्त हैं उनको भगवान जानते हैं, जिनका इंतजार भगवान करते हैं। इसलिए हनुमान जी के लिए आया, रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। इसके दो अर्थ करे जा सकते हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी को रघुनाथ जी बड़े प्रिय है, हनुमान जी बड़े प्रिय रघुनाथ जी के, अथवा तो रघुनाथ जी के जो प्रिय लिस्ट है उस लिस्ट में सबसे प्रिय श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी के चरित्र की गाथा हम सब आज पारायण करने जा रहे हैं सुंदरकांड के माध्यम से, और हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने सुंदरकांड में ही पीएचडी करी, उनका रिसर्च किया है। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि मैं तो साठ दोहे की पोथी लेकर के घूम रहा हूँ, लेकिन आज जब आचार्यों के चरणों में बैठ करके एक बच्चे को गाने का, अपनी कथा कहने का आनंद आता है, मुझे बड़ा सुख मिलता है। जब मैं किसी संत शिरोमणि के चरणों में बैठ करके, जैसे आचार्य श्री हैं, अभी भगवान ने कृपा करी तो परम पूज्य मनु पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज का भी यहाँ पर आगमन हो सकता है, मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ। बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे आचार्यों के चरणों में, जो कथा के शिरोमणि हैं, कथा उनके रग रग में भरी है, ऐसे आचार्यों को जैसे एक छोटा बच्चा अपने किसी बच्चे को, कभी कभी यूनिवर्सिटी में हम लोग जब छोटे होते थे तो खड़ा कर दिया जाता था, चलो भाई तुम कविता सुनाओ, तुम ये गायन सुनाओ, तो सारे टीचर बैठे होते थे और हम लोग बच्चा निभाता जाता है। मैं ये पहले ही निवेदन करने वाला था, अच्छे से क्यों बैठते जब हम कहीं किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सबसे आगे की सीट पहले घेरने की कोशिश करते हैं और रुमाल वुमाल सब रख देते हैं, और अगर खुद ना जा पाए तो पड़ोसी कहते हैं आप जा रहे हो ना, तो सीट आगे की और जब किसी सत्संग में जाते हैं तो सबसे पीछे दीवार में जाकर टेक लगाकर बैठ जाते हैं, सबसे पीछे की सीट क्यों ढूंढते हैं मुझे ये समझ में आज तक नहीं, बातें भी नहीं करते, खाली इंतजार करते थे कब कथा खत्म हो जाए। जब भगवान की कथा में सबसे आगे बैठ और इसी को विभीषण जी की भाषा में कहूं, सुंदरकांड में विभीषण जी बोले, सहज पाप लिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा वैष्णो देवी जाते हैं
हनुमान जी के किसी दूर तीर्थ में जाते हैं, 15-15 घंटे लगा करके जद्दोजहद करके जाते हैं, लेकिन 5 मिनट ऐसे खड़े रहते हैं, चलो भाग, 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते वहां से, क्योंकि सहज पाप प्रिय तामस देहा जका वहीं पर आप देखो जब सत्संग होता है तब वही शरीर, मैं मेरा अनुभव तो मैं तो रोज सुंदरकांड ही करता हूँ 365 दिन, रोज 4-5 घंटे इसी तरह बैठते हैं, 5 घंटे 4 घंटे पता भी नहीं लगता, जैसे 1.5-2 घंटे भी हुए हैं 5 घंटे के बाद उसने अभी तो 1.5 घंटा और चल सकता था। सोचिए 5 घंटे कोई बैठ सकते, किसी को बोल दिया जाए 4 घंटे बैठो पलथी मार के ऐसे बैठ सकते, लेकिन बैठते हैं कैसे बैठते हैं, बस यही तो भगवान की कृपा है, इसी कृपा को समझ ले तो बस जीवन सुंदर कांड हो सकता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि भक्तमार्ग की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं, अनेक अनेक भक्तों की कथा जगत गुरु श्री महाराज जी के पावन मुखारविंद से, ये कथा आचार्यों के मुखारविंद से जब ये कथा निकलती है गंगा की तरह, तब उसका अर्थ उसके विचार उसका वो सीधा हमारे हृदय तक पहुंचता है, काम तक नहीं आता फिर हृदय तक आता है, और कितनों के जीवन चरित्र बदल जाते हैं, कितनों के जीवन गृहस्थ जीवन में बहुत सारी परेशानियां उलझने सुलझ जाती है। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीर बदलती जमाने की सभी खुशियां इसी वादे में मिलती हैं।
ज्ञान यज्ञ की है। आज के सुंदर कांड का मूल संपुट है कि सुंदर कांड करने से मिलता क्या है। सुंदर कांड करें, हनुमान चालीसा करें, क्या मिलेगा इससे? सुंदर कांड और हनुमान चालीसा करने से अथवा तो हनुमान जी के चरित्र को गाने से। तुम्हारे भजन राम को जीवन की नदियां की दोनों